इनको निलाऊंगा इंशाल्लाह ताला, ऐसे निकल के आ जाएंगे। बाय द वे जो बैकग्राउंड जो आवाज़ है इसको इग्नोर करना, क्योंकि भाई ये कराची यहाँ पर आए थे अभी थोड़ी देर बाद, तीन पे वाले हैं, उसके बाद आएगा आलू मटर भिंडी, उसके बाद फिर आएगा कि स्टार मोहम्मद तेल पर हो जा गया पंजाब वाला, क्या करे यार, इग्नोर करो इसको बैकग्राउंड म्यूजिक को। Assalamualaikum, this is Saad Karim once again। हाँ भाई, तो ढोलू क्या सीन है तुम्हारे, तुम्हें मुझे लग रहा है यार बहुत तेज भूख लग रही है, क्योंकि तुम्हारा पेट वेट भी जरा अंदर अंदर गया हुआ है। हाँ भाई, भोलू भोलू तुम इतनी बड़ी बड़ी आंखें खोल लेते हो अपनी, क्या मतलब है यार, तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है यार। देखो यार, भोलू की आंखें देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं यार, वो इसको फुल गुस्सा आ रहा है। भोलू भूख भूख नहीं लग रही, खाना वाना नहीं खाना क्या है, चल खड़ा हो जल्दी से, चल चल खड़ा हो जा। पानी वानी इनका रखा हुआ है रात से ही, क्योंकि यार पानी हम ऐसे छोड़ देते हैं, पीते रहेंगे पूरी रात। बाय द वे रात का चारा अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने फिनिश कर लिया है, तो अभी इनका वापसी चारा बनाऊंगा मैं। सही है भाई, रेडी है ना, मस्त हो के खाना है, ठीक है भाई, और माशाल्लाह बोल देना यार। पहले करेंगे इनकी जगह साफ, उसके बाद बनाएंगे इनका चारा। जगह वगह आपके भाई ने साफ कर दी है, ये देखो भाई पूरी नीट एंड क्लीन कर दी है जगह, ठीक है भाई। और हमारा ये जो भोलू है ये भी उठ गया है, ढोलू भाई खाने का इंतजार कर रहे हैं बार बार। अब देता हूँ तुम्हें बड़ा लेवल किस्म का वंडा। क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों नाराज हो रहा है, क्यों नाराज हो रहा है भाई। अच्छा, इसके ना दादा ने बाल भी काटे थे, देखो यार इसकी कटिंग भी करी थी हमने, ये देखो, ये देखो यार इसकी भी करी थी, ये देखो सिंह के ऊपर से ना, मतलब अभी यार देखो गंदे हो रहे हैं। इनको मैंने अभी नहलाया भी नहीं, क्योंकि यार अभी मौसम थोड़ा ठंडा है, जैसी यार थोड़ी सी गर्मियाँ शुरू होती है तो इनको नहलाते हैं, बहुत गंदे हो रहे हैं। दिल तो चाह रहा है इनको नहलाने का, लेकिन यार अभी क्या करें, खैर मजबूरी है, जब इनको नहलाऊंगा इंशाल्लाह ताला ऐसे निकल के आ जाएंगे। बाय द वे जो बैकग्राउंड जो आवाज़ है इसको इग्नोर करना, क्योंकि भाई ये कराची यहाँ पर आए थे अभी थोड़ी देर बाद, तीन डब्बे वाले हैं, उसके बाद आएगा आलू मटर भिंडी, उसके बाद फिर आएगा कि स्टार मोहम्मद तेल पर हो जा गया पंजाब वाला, क्या करें यार, इग्नोर करो इसको बैकग्राउंड म्यूजिक को। अच्छा, तो भाई चारा इनका मैंने रेडी कर दिया है, बस इसको अभी मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद इसको देते हैं भाई। ढोलू को बड़ी भूख लग रही है, क्योंकि यार ये बार बार आ रहा है, रुक जा यार दे रहा हूँ, सबर कर, सबर का बल मीठा होता है, तो यार इसको अब जल्दी से मिक्स करते हैं और इनको चारा देते हैं। ढोलू भोलू को मैंने खाना दे दिया है, आप लोगों को दिखाता हूँ, खा रहे हैं भाई, ये देखो भाई, ये देखो ये लोग खा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, फुल लगे हुए हैं अपने खाने के ऊपर। ये है कि यार अब इनसे थोड़ी देर में मिलते हैं, मुझे थोड़ा सा काम है, तो वो काम वगैरह भी करते हैं जल्दी से, और फिर इसके बाद इनके पास आते हैं पूरे पूरे एक से डेढ़ घंटे बाद इनको पानी पिलाने। इनके पानी वानी का टाइम हो गया, इनको पानी वानी पिलाते हैं। खाली बाल्टियाँ मैंने अभी रखी हैं, भी पाइप से मैं इसमें पानी डालूंगा। ये रहा पाइप इसका, अबे क्या कर दिया ये सारा पानी अपना, देखो इसमें कर दिया यार इसने। खैर पानी भरते हैं इसमें, रुक गया भाई, सबर कर ले यार, हौसला रख हौसला, प्यास लग रही होगी यार बेचारे को। इसकी बाल्टी भरते हैं, अबे पानी गिर रहा है यार सारा, चलो भाई खड़ा हो जा, ये हो गया भाई खड़ा। अबे बात सुन ली भाई इसने मेरी, इसकी बाल्टी थोड़ी सी हम करीब कर देते, पियो पियो पानी पियो भाई, ये चलो भाई इसकी भी बाल्टी भर गई है। चलो भाई अब मैं तुम लोग से मिलता हूँ रात में। अच्छा, गीगल टाउन आया हुआ था भाई, मुझे बेसिकली एक बर्थडे कवर करनी थी और बच्चों की रील्स वगैरह बनानी थी, जो कि मेरा काम है। वो एक बात बताता हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह आपका भाई चाचू बन गया, रात में घर जाऊँगा, मिलते हैं भाई अपने भतीजे से, खुशी माशाल्लाह भाई। हाँ भाई, गुल अहमद वालों ने कुछ अपना ब्रांडिंग वगैरह कर रहे हैं, और ये है भाई ओशन मॉल, अच्छा बना हुआ यार काफ़ी। अंकल बेसिकली बुखारी ग्रुप से हैं, तो अंकल कुछ बताना चाह रहे हैं। जी अंकल जी, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मुझे बुखारी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है एविएशन बुखारी ग्रुप ओशन मॉल में मुझे एज ए डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल मुझे अपॉइंटमेंट किया हुआ है, मैं डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग हूँ। और माशाल्लाह से बुखारी ग्रुप जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो है ना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम लोग हज से लेके, हज हमारे पास है, उमरा हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ग्रुप जाते हैं हमारे हज पे, उमरे पे और ज़ारत पे, और दूसरा ये कि इवेंट्स करवाना हो तो इवेंट्स भी हमारे पास है, वीज़ा प्रोसेस है जी जी, और हमारे पास गाड़ी है जो मेहरान गाड़ी से लेके और जो है ना प्राडो और ब्लड प्रूफ गाड़ी तक है, जिसको जैसी रिक्वायरमेंट हो, एक दिन के लिए चाहिए हो, एक घंटे के लिए चाहिए हो, एक महीने के लिए चाहिए हो, एक साल के लिए चाहिए हो, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो दूसरा ये कि और जो है ना ये अगर आपने ज़ारत पे जाना हो, टूर पे जाना हो, इंटरनेशनल टूर्स भी कराते हैं जी जी, टूर भी हमारे तो बुखारी ग्रुप जो है ना बुखारी ग्रुप करवाती है ठीक है, और मैनेज करती है। हमारा बाकू का भी ग्रुप जा रहा है 23 फरवरी को, ठीक है, जो है वो
फोर स्टार होटल और फाइव स्टार होटल हमारे हैं, और वो बहुत सस्ता है। 2,05,000 में 4 स्टार अच्छा है, और 2,18,000 में 5 स्टार है। ठीक है ठीक है। अच्छा कितने दिन का ट्रिप होता है अंकल? इसमें जो है ना बाकू में 5 दिन का ट्रिप है। ठीक है। और उसमें डिनर एवरीथिंग हमारे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। वीजा प्रोसेस हमारी तरफ से होगा, हमारे तरफ से डिनर लंच ब्रेकफास्ट, और उसके साथ साथ हमारे जो है ना एयर टिकट रिटर्न टिकट होगा, एयर टिकट रिटर्न। ठीक है ठीक है। और इसके बाद जो है ना वहाँ पर उसके लग्जरी गाड़ी होगी, टूर्स गाइड भी होगा। ठीक है ठीक है। आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो है ना बिल्कुल स्मूथ और खुश। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ मुसलमान मुल्क है और हलाल चीज़ें मिलती हैं हर चीज़। बिल्कुल यही होता है। और खूबसूरत जगह है बाकू। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये मैं चाहूँगा कि आप लोग, और हमारे यहाँ इस्तांबुल भी भेजते हैं हम लोग टूर जाते हैं लोग, अगर विद फैमिली जाना हो, अकेला जाना हो, अगर टूर आपको ग्रुप के साथ जाना हो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अच्छा अंकल एक और बात, मैं आपकी सॉरी बात कर रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि स्टूडेंट वीज़ा वगैरह भी आप लोग प्रोवाइड करते हैं? वो हम लोग सारे मतलब जो भी वीज़ा प्रोसेस हमारे यहाँ होता है। ठीक है ठीक है। सब हर मुल्क का वीज़ा प्रोसेस होता है हमारे। ठीक है ठीक है। हम इवेंट भी करवाते हैं, क्रूज़ भी बुक कर, अगर किसी ने क्रूज़ बुक करवाना, ये क्रूज़ है जी, क्रूज़ बुक करवाना। क्रूज़ दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, भाई ये देखें भाई, ये क्रूज़ है। ठीक है। अगर किसी ने क्रूज़ बुक करवाना हो तो वो भी हमारे यहाँ सर्विसेज हैं। और अगर किसी ने, और दूसरा ये कि एक और एयर टिकट है, और हमारी जो एयरलाइंस है ये सारी हमारे पास एक्सपीरियंस है। अबू दुबई सारे मतलब ठीक है, जाना हो कहीं इस्तांबुल जाना हो, श्रीलंका जाना हो, मलेशिया जाना हो, किसी ग्रुप में कहीं भी जाना हो, तो हम बुखारी ग्रुप से जो है ना वो ओशन माल से जो है ना रब्ता करें। और ये मैंने जी आपने मुझे कार्ड वापसी दिखाएं, ये मेरा एक कार्ड है, मैं डायरेक्टर मार्केटिंग। देखिए भाई ये कार्ड देख लो आप लोग। ठीक है। ये अंकल का नंबर वगैरह यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, बाय द वे मैं अलग से इसकी पिक्चर खींच के आपको दिखा दूंगा। ठीक है भाई, अंकल थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कोई ना कोई मेरी वीडियो देख के आपके पास आ ही जाएगा। ठीक है भाई, मुझे खुशी होगी कि आप लोग भी, हम लोग बुखारी ग्रुप जो है ना वो खिदमत करें। ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच। जजाक अल्लाह। वो शख्स आ गया है मेरे साथ, समी देख रहा है। यार क्या बांधा हुआ यार तुमने, अजीब पता नहीं क्या है, बाल वाल आ रहे हैं तुम्हारे मुंह के ऊपर। उसको कहीं अच्छी जगह लेकर आते तो पूरा एग्रेशन दिखाएगा, एटीट्यूड दिखाएगा उसको, जब भी कोई अच्छी जगह लेके नहीं आता भाई ना कटवा देता है यार ये मेरी। से हम जाएंगे ऊपर सुपर स्पेस में, इसको बच्चों की तरह रो रहा है, कह रहा है मुझे वो डॉजिंग कार खेलना है। भाई करवा दूंगा तुझे राइड, टेंशन नहीं ले। बड़ा नहीं हुआ ये देखो, अभी ये देखो बोल रहा है यार मुझे ये राइड करनी है यार, ये देखो बाइक चला रहा है ये, इतना बड़ा क्या बोलूँगा यार मैं इसको। यार समी यार ये उतार भाई, क्या यार तू भंगी लग रहा है, ये झाड़ू ला के दे दूँ ना तू, ये अजीब क्या रामैया वस्ता भैया में जो होता है। खैर यार अभी करवाता हूँ तू ये राइट, टेंशन नहीं ले यार, तू टेंशन क्यों लेता है पहले, लेकिन यार कंटेंट निकालते हैं उसके बाद। ठीक है, मैं तेरे को लेकर आया हूँ क्या राइट कर। अच्छा आप लेकर आए मुझे? अच्छा भाई मुझे समी लेकर आया सुपर स्पेस में, आप लोगों को पता है ना, तो मैं तो यार फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर है ना समी भाई, फर्स्ट टाइम आया हूँ ना मैं यहाँ। अच्छा यार लगाना था ये राइड करेंगे, फर्स्ट टाइम आया भाई, मुझे नहीं पता क्या सीन है यहाँ के, फर्स्ट टाइम आया हूँ ना भाई मैं यहाँ पर, आ गया ना लाइन पे अब। वापसी आ गया हूँ अपने ढोलू भोलू के पास। हाँ भाई ढोलू जुगाड़ी कर रहे हैं ये लोग, पेट वेट भरा हुआ है अभी इनका, तो ये भी जुगाड़ी कर रहा है अभी, और भाई पानी शानी पड़ा हुआ है इनके पास अभी, और अभी यार वापसी पानी मारना पड़ेगा यार, क्योंकि सफाई रखनी चाहिए, वरना यार ये होगा कि इनके जो खुर हैं इसके अंदर कीड़े वेड़े भी हो जाते हैं। देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जो नीचे जो खुर होते हैं ना यहाँ कीड़े हो जाते हैं, तो इससे फिर जानवरों को तकलीफ होती है और बीमार भी हो जाता है, तो सफाई का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है भाई। इनको खाना वाना भी दे दिया है और जगह वगैरह भी सारी साफ़ कर दी है। ठीक है भाई, और ये है कि भाई अभी माशाल्लाह से दोनों खा रहे हैं, और माशाल्लाह बोल देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, चैनल पर बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब कर देना ये भाई।